नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। तो बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की 22,000 सीट को लेकर के, जहां आज भारी भीड़ नजर आया लखनऊ SRTC पर। यहां पे देखिए 22,000 की मांग को लेकर के आज जो अभ्यर्थी थे वे सड़क पर उतरे। आपको बता दें लगातार 100 दिन से अधिक समय हो गया है अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे देखिए पत्रकार और मीडियाकर्मी भी पहुंचे हुए थे। अभ्यर्थी यहाँ पर नारा लगाते हुए 22,000 सीट को पिता के आधार पर जोड़ने की बात कह रहे हैं। और ये मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए लीगल टीम का कहना है कि आने वाली वैकेंसी में 2011 से सभी टेट लाइफ टाइम वैलिड करने की वजह से अब की भारी संख्या में भीड़ रहेगी। वहीं मेरिट भी अत्यधिक जा सकती है, इसलिए 69,000 में आरक्षण 22,000 जैसे मुद्दों पर पूरी दमदारी से लड़िए, जॉब आपको यही मिल सकती है, ये लीगल टीम की ओर से कहा जा रहा है। की बात करें तो 4 अक्टूबर को प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा चयन बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय डिप्टी सचिव महोदय से इन मुद्दों पर दो टूक बात हुई, जिसमें यह ज्ञापन दिया गया है। आपको बता दें ज्ञापन में 12 सूत्री मांग किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी से कई सभाओं में TGT एवं PGT के 27,000 पदों पर भर्ती का आश्वासन दिया है, इसलिए चयन बोर्ड रिक्त पदों का अधियाचन मांगने का कार्य तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे अधियाचित पदों का विज्ञापन चुनावी अधिसूचना लगने से पूर्व जारी हो। दूसरा है नया विज्ञापन आने से पूर्व इस आशय का एक पत्र चयन बोर्ड को शासन को लिखा जाना चाहिए कि समान वेतन मान पर चयनित अभ्यर्थी इसे आने वाले नए विज्ञापन आवेदन न कर सकें, जिससे नए प्रतियोगियों को रोजगार मिल सके। चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित पत्र पर प्रतियोगी मोर्चा शासन की पैरवी के लिए तत्पर रहेगा। तीसरा मांग है कि विज्ञापन 2021 के प्रवक्ता के बचे हुए 11 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम TGT के सभी 16 विषयों के परिणाम अधिकतम 10 अक्टूबर तक जारी किया जाए। यहाँ पर देखिए आपको 12 विषय के बाद अभी भी बचे हुए सब्जेक्ट के PGT के विज्ञापन के अनुसार जो रिजल्ट है जारी नहीं किया गया है इंटरव्यू के लिए। वहीं विज्ञापन पर 2021 में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व के विज्ञापन में समान पद पर चयनित हुए अभ्यर्थियों से विज्ञापन वर्ष 2021 में अपने अभ्यर्थन वापस लेने के एक प्रत्यावेदन चयन बोर्ड द्वारा मांगा जा सकता है, ताकि अधिकतम सीटों को बर्बाद होने से बचाया जा सके, जैसे कि PCS में होता है। तो ये अच्छी पहल रहेगी कि अगर वे लोग ज्ञापन दे दें कि हाँ मेरा चयन हो गया है 16 वाले में, हम इसमें परीक्षा देंगे लेकिन अब अपना अभ्यर्थन वापस लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि उन अभ्यर्थियों का मिल जाएगा सीट जो वेटिंग में आने के बाद नौकरी, इससे क्या होगा कि उनके सीट पर एक योग अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाएगा। पांचवा है विज्ञापन वर्ष 2021 के अंतिम परिणाम जारी करते समय रिक्तियों से अधिक प्रतीक्षा सूची को 25% तक जारी किया जाए। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में उल्लेखित है और इसका पालन किया जाए, ये पांचवा पॉइंट है। छठा है कि विज्ञापन वर्ष 2021 में समस्त तदर शिक्षक के रिक्त पदों का अंतिम परिणाम जारी होने के साथ ही 15,198 पदों के अतिरिक्त तदर पदों को जोड़कर के प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। वही बात करेगा सातवें पॉइंट पर, तो विज्ञापन वर्ष 2016 के प्रवक्ता कला का अंतिम परिणाम घोषित किए जाने की आवश्यकता है, जबकि विज्ञापन वर्ष 2011 जो विज्ञान एवं विज्ञापन वर्ष 2016 जो विज्ञान के लिखित परीक्षा का परिणाम तत्काल घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अनावश्यक विलंब हो चुका है और इस प्रकार 2021 के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होने की संभावना रहेगी, क्योंकि वे 2 सीटों पर चयनित होंगे तो सीटें बर्बाद जाएंगी। पॉइंट नंबर 9 पे बात करें तो विज्ञापन वर्ष 2016 के सभी रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी की जानी चाहिए, इसमें विद्यालय आवंटन एवं पैनल चयन बोर्ड द्वारा काउंसलिंग कराकर के संपर्क कराया जा सकता है जो पूर्व में चयनित शासनाधीश के अनुकूल होगा। वहीं विज्ञापन संख्या 2016 में चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं पाई उन्हें अन्य समायोजित की जाने की आवश्यकता है, ये 10वां पॉइंट है। बात करें 11 पे तो वर्ष 2013 के प्रधानाचार्य पदों के साक्षात्कार की तिथि आय विलंब घोषित किए जाने की आवश्यकता है। वहीं 12 पॉइंट बताए तो विज्ञापन वर्ष 2021 में ओमायर से संबंधित सभी प्रकार की त्रुटियों पर मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए अगर संभव तो सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ये 12 सूत्री मांग का सुझाव ज्ञापन दिया गया है विकी खान अध्यक्ष प्रतियोगी मोर्चा, तो प्रतियोगियों के हृदय सम्राट विकी खान द्वारा ये ज्ञापन आज सौंपा गया है सचिव से मिलकर के। वहीं स्कूली निरीक्षण के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी अभ्यर्थियों के अभिभावकों से मिले और काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखे। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के भी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के साथ फोटो खिंचाते हुए शिक्षा मंत्री जी। आज की एक न्यूज ने हलकंप मचा दिया है। केंद्र ने कहा यूपी में 80,000 शिक्षक ज़्यादा हैं, लेकिन फिलहाल अगर आयोग की रिपोर्ट को देखें तो जो नया गठित किया गया है सरकार के द्वारा 51,000 पहले का और लगभग कुल मिलाकर के अगर सीटों की संख्या देखें तो 72,000 से अधिक सीटें अभी खाली है। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी में लगे, इस न्यूज़ पर कोई भी ध्यान न दें क्योंकि ये न्यूज़ तथ्यपरक नहीं है, कि अभी भी बेसिक शिक्षा मंत्री या सरकार या विभाग द्वारा ये नहीं कहा गया है कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी रिपोर्ट मांगी जा रही है और जल्द ही नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की जाएगी टेट के बाद। और ये आपको बता दें अनिल सिंह युवा अध्यक्ष ये नई शिक्षक भर्ती सहित कई मांगों को लेकर के आज ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन इनका था LTGIC विज्ञापन जारी करने को लेकर के, कला के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर के,
और इसके सहित यहाँ पर किसानों की हत्या की हुए मंचे ने तीखा निंदा करते हुए देशों को कठोर सजा दिलाने की भी मांग की है। तो ये अनिल सिंह जो कि युवा मंच के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन में नई शिक्षक भर्ती सहित पीजीटी के नए विज्ञापन की मांग को लेकर के बता दें कि एलटी ग्रेड की परीक्षा में इससे पहले जो खाली रह गए पदों को जोड़कर नए पदों को अधियाचन कंप्लीट होने के बाद भी अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। फिलहाल बेसिक शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी एक साथ मंच पर, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से शिक्षा संबंधित और नई विज्ञापन संबंधित कई अपडेट लिए हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मैटर की अगर बात करें तो महाआंदोलन की डेट अभी घोषित नहीं की जाएगी, क्योंकि कुछ भाई बहनों को लग रहा है कोर्ट से चुनाव आचार संहिता के पहले निर्णय हो जाएगा, थोड़ा और इंतजार कर लिया जाए, ये लीगल टीम की ओर से कहा जा रहा है। फिलहाल लीगल टीम का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, ये कल से ही धरना प्रदर्शन चल रहा है जो आज भी वैसा ही बिल्कुल चल रहा है। जहां सरप्लस शिक्षक बता रहा है केंद्र सरकार, वहीं इधर तो भर्ती की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। कमेटी जिलावार रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती के लिए रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही भर्ती पर निर्णय होगा। यही बात दोहराया है शिक्षा मंत्री जी ने भी बातचीत के दौरान। शिक्षकों की नई नियुक्ति और नामांकन के बाद स्थिति बदली है, हम रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। अनामिका सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग। तो कोरोना काल के बाद काफ़ी संख्या में भर्तियों के इस समय जो नामांकन हो वो बढ़ा है, जिसके बाद शिक्षकों की आवश्यकता बढ़ी है। क्योंकि आपको याद होगा कि कल की पेपर लिखा था कि 41 बच्चों पर सिर्फ एक शिक्षक, तो अनुपात जो है अभी भी पूरा नहीं है, यानी सरप्लस वाली बात पूरी तरह यकीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं 40 तो कहीं 45 बच्चों की जिम्मेदारी ही एक शिक्षक के ऊपर है, जिससे पठन पाठन का कार्य भी सही नहीं हो पा रहा है। और अगर बात करें तो सबसे अधिक सोशल साइंस की सीटें खाली हैं, जो कि जूनियर की भर्ती की बात करें तो 70,000 था वेतन, अब 2,000 मिलेगा पेंशन। माध्यमिक शिक्षक को जारी किया गया NPS, जिले में NPS का यह पहला पेंशन है। 11 वर्ष तक की ये थी नौकरी, वर्ष 2008 से शुरू की थी। और फर्जी मेंटर का ऐप के जरिए लूटपाट का फिर एक और मैटर, पहले ऐप लोड कराया फिर खाते से उड़ाए 1,00,000 रुपये। बैंक पहुंचकर अगर अपने अकाउंट ना बंद कराते तो उड़ती करीब 7 से 8 लाख रुपये। तो किसी भी प्रकार के फर्जी कॉल पर ना तो कोई रिस्पॉन्स दें ना तो कोई ऐप डाउनलोड करें। संविदा अध्यापक की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 6 से शुरू होगा। बीएड सत्र पिछड़ा, दांव पर विद्यार्थियों का भविष्य। जवाब ना देने दे पाने पर शिक्षक ने छात्रा को पीटा, मौत। तो ये माखी थाना क्षेत्र के गांव कक्षा 8 की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि स्कूल शिक्षक ने उसे डंडे से पीटा। शनिवार को हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां रात में 9 बजे उसने दम तोड़ दिया। अब संसाधन के अभाव में नहीं रुकेगी बच्चों की पढ़ाई। रिजल्ट घोषित न होने पर भी शुल्क भरवाई के लिए आवेदन कर सकेंगे, छात्रवृत्ति पोर्टल पर दी गई है सुविधा। और स्कूल के ऊपर से गुजर रहे तार की चपेट में आकर 3 बालक झुलसे, परिजन बोले हर तार हटाने की कई बार कर चुके हैं मांग। इस बैंक की सलाह है कि स्कूल खोलने के लिए टीकाकरण का इंतजार जरूरी नहीं। OMR भरवा रहे थे, 2 कक्ष निरीक्षक गिरफ्तार हो गए हैं। चिलुआतल क्षेत्र के विश्व भारती इंटर कॉलेज का है मामला, परीक्षा खत्म होने के बाद भरवा रहे थे अभ्यर्थियों का MR सीट। तो ये रविवार को सेडका में नर्सिंग की परीक्षा देकर निकलते अभ्यर्थी। संविदा शिक्षकों की भर्ती का साक्षात्कार 6 से शुरू हो जाएगा। संस्कृत विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज में 9 अक्टूबर तक होगा इंटरव्यू। 81.50% ने दिया नर्स की परीक्षा, पिछली 2 परीक्षाओं से आधे से अधिक छात्र थे गैर हाजिर। और प्रसिद्धि पुस्तक के कवर पेज पर राजेंद्र के डिजाइन। बात करें तो जे एडवांस के कठिन पेपर ने अभ्यर्थियों को छुड़ाया पसीना। तो सुमेलित करने वाले सवाल ने उलझाया, संतुलित रहा पेपर। परीक्षा में जो कुछ सवाल थे, जिसमें भारत में विश्व शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष से लागू हुआ, विकल्प दिया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने, नीरज चोपड़ा ने खेल जीता था, ये था। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ कब था, उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ, इसके अलावा 5 अगस्त 2021 को इब्राहिम रईसी ने निम्नलिखित देशों में किसमें राष्ट्रपति रूप में शपथ लिया। TLET के 106 कॉलेजों को नहीं मिलेगी छात्र। PGT भर्ती के लिए साक्षात्कार कल से शुरू। जहां केंद्र ने कहा UP में 80,000 शिक्षक ज़्यादा हैं, वहीं माध्यमिक शिक्षा में 70% पद ही खाली है। तो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के 10,903 पद स्वीकृत हैं,
3665 कार्यरत हैं, 7238 पद खाली हैं। सहायक अध्यापक के 9717 पद सृजित हैं, इनमें से 2622 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, 6795 पद खाली हैं। प्रधानाचार्य के 1486 पद में 1043 प्रधानाचार्य कार्यरत हैं, 443 खाली हैं। शिक्षक की नई नियुक्तियां नामांकन के बाद स्थिति बदली है, रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। नामका सिंह ने कहा है विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को पत्र देते हुए मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी इसमें चिन्ह श्री राम जी की प्रतिमा को देकर सम्मानित करते हुए